Ooh.
ऐसा यह श्रीमद् भागवत जिसकी महिमा, जिसका महात्म्य पुराणों में बताया गया, जिस श्रीमद् भागवत का परिचय पुराणों ने दिया, श्रीमद् भागवत का परिचय दो पुराणों में प्राप्त होता है, एक स्कंद पुराण और दूसरा पद्म पुराण। तो भागवत के पूर्व में पद्म पुराण के 6 अध्याय जो भागवत का परिचय दे रहे हैं, परिचय प्राप्त करना बड़ा आवश्यक है। और वास्तविक रूप से जो परिचय प्राप्त करना हो तो वह शास्त्रों का और भगवान का ही करना चाहिए। संसारी जीव लौकिक व्यक्तियों के परिचय में लगा रहता है, लेकिन वास्तविक रूप से उस परिचय का कोई मतलब है नहीं। किसी के परिचय को पाने के लिए या अपना परिचय देने के लिए दो बात हर एक जीव चाहता है। संसार आसक्त, एक कि मुझे सब जाने, और दूसरा मुझे सब जान न जाए, दोनों ही चाहता है। एक तो मुझे सब जाने और मुझे सब जान न जाए, जो मैं हूं वास्तविक रूप से। तो ये सब संसारी लोगों के परिचय में रहे, इससे अच्छे हमारे आचार्य हमें सिखाते हैं, बता रहे हैं कि परिचय प्राप्त करना हो तो शास्त्रों का करो, भगवान का परिचय प्राप्त करो, क्योंकि परिचय का मतलब होता है परितः चिनोति चयनम करोति। चारों ओर से उनकी विशिष्टताओं को इकट्ठा करना, संग्रह करना, और चारों ओर से विशिष्ट तो सदग्रंथ एवं भगवान के अलावा तो कोई हो सकता ही नहीं है। तो जब परिचय प्राप्त हो तो परिचय प्राप्त होने से 3 वस्तुओं का लाभ उस जीव को होता है। 3 वस्तुएं प्रकट होती हैं, और जब 3 वस्तुएं प्रकट हो तो ही हमारी प्रवृत्ति होती है। तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर एक बात कही, प्रीति प्रतीति सुरीति सो राम राम भज नाम, तुलसी तेरो हे बलो आदि मध्य परिणाम। प्रीति के बिना प्रवृत्ति नहीं हो सकती, और प्रीति के बिना की हुई प्रवृत्ति वह कर्म जड़ कहलाती है। किसी कार्य में करने में इच्छा नहीं है, मन नहीं है, प्रीति नहीं है, भावना नहीं है, अब गुरु आज्ञा भी कर दे तो ये करना है, वो केवल आज्ञा रूप में मान के उसको करे तो वो फल रूप नहीं बनती, क्योंकि वह किया हुआ कर्म जड़ रूप हो गया। केवल आज्ञा का पालन करना
या छुटकारा नहीं है तो इसलिए पालन करना, इसलिए वह कर्म जड़ कहलाता है। और प्रीति कब होती है? जब परिचय हो। तो जब परिचय होता है तो प्रीति होती है, और प्रीति होती है तो प्रवृत्ति होती है। जैसे हम अपने परिवार के भरण पोषण, उनके सुख के लिए प्रवृत्त रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनसे हमारी प्रीति है। वो मेरा बेटा है, वो मेरी पत्नी है, कि वो मेरी बेटी है, तो परिचय है। परिचय है इसलिए प्रीति है, और प्रीति है इसलिए प्रवृत्ति है। उसी प्रकार से सेवा या गुरु आज्ञा जो होती है, उसमें जीव प्रवृत्त कब होता है? जब उसको गुरु का स्वरूप है, भगवान ठाकुर का स्वरूप है, उसका परिचय प्राप्त हो। और परिचय प्राप्त होता है तो जीव के अंदर स्वतः प्रीति प्रकट होती है। पड़ोसी के लिए हम इतने प्रवृत्त नहीं होते हैं, क्योंकि इतना उनमें ममत्व नहीं है, प्रीति नहीं है। लेकिन ये मेरे हैं, ये ममता का भाव है। तो जहां परिचय है वहां पे प्रीति है, और जहां पे प्रीति है वहां प्रवृत्ति है। तो ये भगवद कथा प्रभु में प्रीति कराने वाली है। प्रीति कब होती है? जैसे हमने बात की परिचय की, यानी इसका मतलब जब किसी प्रकार का एक संबंध स्थापित हो तब। जैसे हमने बात की कि ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी, तो हम प्रवृत्त हुए, क्यों? क्योंकि एक संबंध है। उसी प्रकार से जीव भी भगवत सेवा के लिए प्रवृत्त कब होता है? कि जब उसका भगवान के साथ एक संबंध स्थापित हो। देखिए, ईश्वर परमात्मा तो वो सबके लिए हैं। छोटी सी चींटी भी होती है, उनके लिए भी वो भगवान है। लेकिन उनके साथ एक विशिष्ट संबंध का स्थापना करना कि भाई वो मेरे प्रियतम हैं, वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं, वो मेरे सख्य हैं, तो भगवान के साथ एक विशिष्ट संबंध की स्थापना, ये बड़ी आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है। हम ब्रह्म संबंध के माध्यम से क्या करते हैं? एक विशिष्ट संबंध की स्थापना। बाकी भगवान तो वो सबके हैं, चींटी के, हाथी, बंदर, सबके वो तो हैं भगवान। तो हम ब्रह्म संबंध के द्वारा एक विशिष्ट संबंध की स्थापना करते हैं। क्या? दासो हम, हे नाथ, मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं। तो भावनाएं कब बनती हैं? जब संबंध हो। संबंध जोड़ने से भावनाएं बनती हैं। तो ये कथा भगवान के साथ संबंध कराने वाली है, जीव को प्रवृत्त करने वाली है। और जब प्रीति होती है, प्रेम आता है, तब जीव प्रवृत्त बनता है। प्रीति प्रतीति सुरीति सो, यानी प्रीति आई तो सुरीति, यानी उसको प्राप्त करने की लालसा, इच्छा, कर्म वो जीव करता है। जब उसके अंदर प्रेम हो, तब प्रेम होगी तभी तो वो सेवा करने का मन होगा उसका। और प्रेम नहीं है तो जीव सेवा करेगा ही क्यों? वो प्रेम नहीं है, वो सेवा कर रहा है, ठाकुर जी विराज रहे हैं। आजकल जैसे सेवा का क्रम एक यंत्रवत होती जाती है, प्रेम निकल गया, भावनाएं निकल गई, दृढ़ता निकल गई, विश्वास निकल गया। और जब वो निकल जाता है तो फिर प्रतीति नहीं होती कि वो है, ऐसा प्रतीति भाव एग्जिस्टेंस के, हाँ वो है, वो प्रतीति नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब प्रीति नहीं होगी। आजकल ऐसी स्थिति है, हम प्रवृत्त हैं, करते हैं, कई बार सेवा करते हैं,
लेकिन वह सेवा किसी कर्म जड़ के रूप में हो जाती है। ठाकुर जी विराजे मंगलाधर ने यंत्रवत सेवा होती जाती है, लेकिन जो भावना प्रेम प्रात समय उठे ब्रज बाला गावत मंगल गीत रसाला कर श्रृंगार मथनिया दोवे अपनों अपनों दहो बिलोवे, ये जो नित्य लीला में जो श्री हराय महाप्रभु ने भावनाएं बताई, कैसे ब्रजवासी कैसी ग्वालिन कैसी ब्रजवासिनी गोपीजन नए उमंग उत्साह के साथ ठाकुर जी की सेवा में जाती, ठाकुर के लिए सजती, ठाकुर के लिए अपने आप को संवारती, उनका श्रृंगार ठाकुर के लिए होता, हमारे श्रृंगार ठाकुर के लिए नहीं होते। ठाकुर के सामने तो जैसे तैसे कई बार जीव चला जाता है, कई बार तो लुंगी पहन के चले जाते हैं लोग, टॉवेल में चले जाते हैं, कई बार तो कई महिलाएं गाउन में भी सेवा करती हैं, और बाहर जाना हो तो सत संवर के, और अपने आप को हम इतना सजाएंगे संवारेंगे, अरे क्या कामदेव हो, किसके लिए हम किसको सजा रहे हैं, उसके लिए वो पीछे से हमको मूर्ख मानता है। जिसको दिखाने के लिए हम सजते सवरते वो पीछे से हमको मूर्ख मानता है कि कामदेव थोड़ी है कि सजते जाएं संवारते जाएं। पर हाँ यही भावना ये आ जाए जैसे गोपीजनों की थी, कर श्रृंगार मथन यादव, तो वो श्रृंगार भी करती अपने आप को सजाएं सवारे, तो वो ठाकुर के लिए थी। तो आज एक ये जो ये बात समझनी होगी कि ये जो सेवा कई बार कई हम जो करते हैं तो कर्म जड़ के रूप में हो जाती है, क्योंकि जो अपने घर में ठाकुर जी विराज रहे उनका परिचय नहीं है। तो परिचय जरूरी है, सेव्य स्वरूप ज्ञान, सेवा स्वरूप ज्ञान, स्वस्वरूप ज्ञान। शहराय महाप्रभु ने तीन बात बताई कि सेवा के लिए तीन ज्ञान तीन बातें जरूरी है, क्या, स्वस्वरूप ज्ञान, सेवा स्वरूप ज्ञान और सेव्य स्वरूप ज्ञान, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं उसके स्वरूप का ज्ञान। तो परिचय होगा तो प्रीति होगी। हाँ, जब भी परिचय हो जाए कि ये जो मेरे घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं ये कोई कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य सहित, जब ये ऐसे ठाकुर हमारे घर में विराज रहे हैं फिर मैं लौकिक चिंताओं से क्यों दुखी हूं, क्यों मैं भयभीत हो जाऊं, हमारे अंदर जो भय आ रहा है या चिंता पनप रही है उसका कारण हमारे घर में विराजे हुए ठाकुर जी का वास्तविक स्वरूप का परिचय नहीं है। यशोदोत्संग लालितम जानितम परमम तत्वम, जो श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि कौन है परम तत्व है, यशोदोत्संग लालित है और परम तत्व है, उससे परम इस संसार इस जगत में कोई नहीं है। इस जगत की सर्वोत्तम परम वस्तु जब हमें प्राप्त हो गई हमारे साथ है तो फिर बाकी क्या रह गया, जिसकी चिंताएं या भय हमें सताती हैं, और बाकी रह गया भय और चिंताएं सता रही हैं तो इसका मतलब कि वो परम तत्व का परिचय पूर्ण रूप से हम समझे नहीं। तो प्रीति प्रतीति सुरीति सो राम राम भज नाम, तुलसी तेरो हेवलो आदि मध्य परिणाम। तो परिचय के द्वारा प्रीति प्राप्त होगी, और ये भागवत का परिचय पुराण दे रहे हैं 6 अध्यायों के द्वारा। इन महात्म्य के 6 अध्याय जिनमें से 3 अध्यायों में बताया गया कि यह भागवत 3 वस्तुओं का दान करती है, एक है भक्ति चरित्र, दूसरा है भक्त चरित्र और तीसरा है भगवद चरित्र। यानी 3 अध्यायों के माध्यम से यह 3 वस्तुओं का दान भागवत करती है, यह बात बताई गई
और दूसरे तीन अध्यायों में बताया गया कि तीन चीज़ें दुख देने वाली हैं, जिसके तीन अध्याय, एक दुराचार, दूसरा दुस्संग और तीसरा है दुराचार। दुराचरण, दुस्संग, दुर्विचार, तो ये तीन चीज़ दुख देने वाली हैं, इसलिए तीन अध्यायों का उसमें निरूपण किया गया। इस प्रकार से छः अध्यायों में भागवत महात्म्य का वर्णन किया। आइए महात्म्य के प्रथम श्लोक में जो व्यास जी भगवान के स्वरूप, उनकी लीला और उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं, उनके हम दर्शन करें। सच्चिदानंद रूपाय, सभी बोलेंगे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, तापत्रय प्रथम श्लोक में जो भागवत के मुख्य नायक, उनका परिचय बताया गया। परिचय प्राप्त करने के लिए आवश्यकता रहती है उसके रूप की, उसके गुणों की और उसके कार्य की। तीन वस्तुओं के द्वारा परिचय किसी का भी प्राप्त होता है। नाम के द्वारा परिचय प्राप्त हो, रूप के द्वारा और गुण के द्वारा, उनके कार्य के द्वारा। तो इस प्रथम श्लोक में भागवत के मुख्य नायक, उनका परिचय देते हुए बताया कि वो कैसे हैं, उनका रूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद स्वरूप जो हैं, सत यानी सत्य, सत्य का मतलब जो व्यापक है, जो सर्वत्र है वह सत्य, जिसका कहीं अभाव ना हो वह सत्य, जो सबका आधार है वह सत्य, जो जीवन का आधार है वह सत्य। सत्य ही जीवन का आधार है और सत्य रूप भगवान है, उसी सत्य का अंश यह जीव है। इसलिए जीव कैसा है, जीव भी सत्य है, चैतन्य है। वो सत्य का अंश यह जीव है, इसलिए सत्य को जानता है। देखो बालक, जब जो छोटा बालक, उसको सत्य सिखाना नहीं पड़ता, वो सत्य जानता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो असत्य सीखता है। क्यों? क्योंकि वो सत्य का ही अंश है, तो सत्य उसके अंदर विद्यमान है, लेकिन फिर माता पिता, अरे भैया ऐसा नहीं कहना, फिर माता पिता धीरे धीरे व्यवहारों में, मित्रों में आकर वो झूठ बोलना सीखता जाता है। तो ये प्रमाण है कि वो सत्य का अंश है, सत्य को जानता है। सत्य बोलना सिखाना पड़ता है क्या किसी को? नहीं, वो जन्म से सीखा हुआ है, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा ममैव अंशो जीवलोक, ये जीव मेरा अंश है, तो वो सत्य अंश हमारे अंदर है।
तो सच्चिदानंद भगवान के सत्य के अंश से इस जड़ जगत की उत्पत्ति हुई, इसलिए यह जगत भी सत्य है। भगवान के चिद अंश से जीव की उत्पत्ति हुई और आनंद जीव के अंदर तिरोहित है, था पर चला गया, तिरोहित हो चुका। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, हम उनके अंश हैं, तो हमारे अंदर भी सत तत्व भी है, हमारे अंदर चित तत्व भी है। जगत है उसमें भगवान का सत तत्व है, चिद अंश नहीं है। जीव जो है उसके अंदर सत अंश भी है, चिद अंश भी है, लेकिन आनंद अंश तिरोहित है। इसलिए मनुष्य खोजता रहता है, पदार्थों में, व्यक्तियों में खोजता रहता है, खोजता रहता है। क्या? आनंद। हर एक व्यक्ति की खोज क्या है? आनंद ही तो है। हाँ, वो अलग बात है कि किसी को किसी से आनंद मिले, किसी को किसी से आनंद मिले, तो सबकी खोज क्या है? केवल आनंद। पैसे चाहिए सबको, क्यों? आनंद के लिए। हर एक मनुष्य केवल आनंद के लिए ही प्रयास करता है। अब वह आनंद वस्तु में ढूंढे या पदार्थों में ढूंढे, पर वह वस्तु और पदार्थों में रहा हुआ आनंद नहीं है, आभास है, दिखाई देता है पर टिका हुआ नहीं रहता। जो वो वस्तु और व्यक्ति में आनंद होता तो वो मिल जाने के बाद उसको संतोष होता, लेकिन वो संतोष उसको नहीं होता। जीव तृप्त हो जाता लेकिन जीव तृप्त नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो आनंद ही उसकी खोज है। और आनंद कौन है? आनंद मतलब क्या? वेद कहता है आनंदो ब्रह्म